हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इनसेनली आसम में। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और मॉनसून को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि आप वॉशिंग मशीन परचेज करने की सोच रहे हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज भी है। बट डोंट वरी, क्योंकि मैंने ये वीडियो आप ही के गाइडेंस के लिए बनाई है, जो कि टोटली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी मशीन परचेज की थी लगभग 3 साल पहले, जो कि है सैमसंग की फ्रंट लोड इको बबल फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये मशीन बेल ड्राइव पे बेस्ड है। मुझे सेम प्राइस में ही डायरेक्ट ड्राइव वाली मशीन भी मिल रही थी, बट मैंने बेल ड्राइव को चूज किया। तो चलो देखते हैं कि बेल ड्राइव और डायरेक्ट ड्राइव में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, बेल ड्राइव में जो आपकी मोटर होती है ना, वो एक बेल्ट के थ्रू आपके ड्रम से जुड़ी रहती है, एक पुली की तरह। और डायरेक्ट ड्राइव में जो आपकी मोटर होती है वो डायरेक्टली ड्रम से जुड़ी होती है, जिस वजह से जो आपकी डायरेक्ट ड्राइव होती है ना, वो ज्यादा पावरफुल होती है इन कंपैरिजन टू बेल ड्राइव। डायरेक्ट ड्राइव की वॉशिंग साइकिल भी थोड़ी सी शॉर्ट होती है। बट जब बात करते हैं इसकी वॉशिंग एफिशिएंसी की, तो दोनों की एफिशिएंसी में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों की क्लीनिंग ही काफी इफेक्टिव है। लेकिन जो मेन पॉइंट मुझे लगा कि अगर आपकी बेल ड्राइव डैमेज होती है ना दोस्तों, तो वो इजिली रिपेयर हो जाती है, काफी इकोनॉमिक भी रहती है और उसके पार्ट्स भी इजिली मिल जाते हैं। बट अगर आपकी डायरेक्ट ड्राइव खराब हो जाती है और वो वारंटी पीरियड के बाहर है, तो ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने फ्रंट लोड ही क्यों ली, टॉप लोड या सेमी ऑटोमेटिक क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं तीनों ही मशीन को यूज़ कर चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको पॉइंट वाइज क्लियर करती हूँ कि आपको फ्रंट लोड ही क्यों लेनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वाटर कंजप्शन का। सेमी ऑटोमेटिक में आपको एक लेवल तक वाटर फिल करना होता है, और टॉप लोड में तो अगर आपका वाटर लेवल कम हो तो मोशन स्टार्ट ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वाटर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। और वहीं फ्रंट लोड में वाटर का कंजप्शन टॉप लोड से लगभग हाफ होता है। सेकंड पॉइंट है क्लीनिंग का। तो अगर बात करें सेमी ऑटोमेटिक और टॉप लोड की, इनमें कॉटन के फैब्रिक की वॉशिंग तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, बट बात करें अगर अदर फैब्रिक की, जैसे सिल्क, सिंथेटिक, वूलन्स वगैरह की, तो सेमी ऑटोमेटिक तो इसके लिए बनी ही नहीं है। आप इसको टॉप लोड में धुल सकते हैं, बट उसमें भी आपके कुछ परसेंट चांसेस क्लोथ की डैमेजिंग के रहते हैं। बट वही फ्रंट लोड की बात करें तो इसकी साइकिल काफ़ी जेंटल होती है, और इस तरह की फैब्रिक डैमेजिंग का इशू उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है एडवांस प्रोग्राम्स का। सैमसंग की फ्रंट लोड इको बबल में आपको वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जैसे कि सुपर इको वॉश साइकिल। इस साइकिल में आपकी वाटर की सेविंग तो होती है, और साथ साथ आपकी 30% एनर्जी भी सेव होती है। और बबल स्ट्रोक साइकिल, इस साइकिल में आपको वैरायटी ऑफ स्टेन्स के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव क्लीनिंग मिल जाती है। इको ड्रम क्लीन साइकिल, ये साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साइकिल में जो ड्रम होता है वो खुद को सेल्फ क्लीन करता है, और उससे उसके अंदर के जर्म्स और बैक्टीरियाज इजीली हट जाते हैं। और डिलेड एंड साइकिल, ये साइकिल मेरी पर्सनल फेवरेट साइकिल है, क्योंकि इसमें आप मशीन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह 8 बजे कपड़े धुले हुए चाहिए, तो आपको सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है, आपको रात में ही मशीन सेट कर देनी है टाइम के अकॉर्डिंग, और जब आप सुबह उठेंगे तो ऑब्वियसली आपको कपड़े धुले हुए मिलेंगे। और बात करें टॉप लोड की, तो उसमें आपको डिफरेंट फैब्रिक के लिए डिफरेंट साइकिल तो मिल जाती है, लेकिन जो एडवांस फीचर आपको फ्रंट लोड में मिलते हैं वो आपको इसमें नहीं मिल पाते। वहीं बात करें सेमी ऑटोमेटिक की, तो उसमें ना कोई आपको एडवांस फंक्शन मिलता है, ना ही आपको डिफरेंट फैब्रिक्स के लिए डिफरेंट साइकिल मिलती है, उसमें आपके फंक्शन नॉर्मल ही रहते हैं। चौथा पॉइंट है डिटर्जेंट कंजप्शन का। दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक और टॉप लोड तो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती है, तो वाटर कंजप्शन और डिटर्जेंट कंजप्शन दोनों पैरेलल वे में काम करते हैं, क्योंकि अगर वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है और आप कम डिटर्जेंट यूज़ करेंगे, तो डिटर्जेंट की इफ़िशेंसी रिड्यूस हो जाएगी। और वहीं फ्रंट लोड की बात करें, तो उसमें वाटर कंजप्शन काफ़ी कम होता है, जिस वजह से आपको कम डिटर्जेंट में भी अच्छी धुलाई मिलती है। पाँचवा पॉइंट है पावर कंजप्शन का। बात करें अगर सेमी ऑटोमेटिक की, तो इसमें ऑब्वियसली पावर कंजप्शन जो होता है काफ़ी कम होता है, बट इन केस ऑफ टॉप लोड एंड फ्रंट लोड ये पॉइंट काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि अगर आप टॉप लोड में कोल्ड वॉश करते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके फ्रंट लोड से कम पावर कंजप्शन करता है, क्योंकि टॉप लोड में वॉशिंग साइकिल फ्रंट लोड के कंपेरिजन में शॉर्टर होती है। बट यहीं पर अगर आप हॉट वॉश करते हैं, तो ये फ्रंट लोड से काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि टॉप लोड में जो वाटर का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उतने ज़्यादा वाटर को हीट करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होती है। और वहीं फ्रंट लोड में काफ़ी कम वाटर का लेवल होता है, जिससे एनर्जी काफ़ी कम यूज़ होती है। अगर आपने नेट में भी सर्च किया हो, तो आपको कई जगह लिखा हुआ दिखेगा कि टॉप लोड आपकी ज़्यादा पावर कंजप्शन करती है, और फ्रंट लोड आपकी एनर्जी इफिशियंट होती है, तो वो इसी वजह से है, जबकि फ्रंट लोड का जो पावर कंजप्शन होता है वो थ्योरेटिकली ज़्यादा होता है।
छठा पॉइंट है प्राइसिंग का। तो अगर आप अभी मार्केट में निकलते हैं और एक अच्छी सेमी ऑटोमेटिक या टॉप लोड मशीन लेते हैं ब्रांडेड, तो आपको वो मिलेगी 12,000 से लेके 40,000 के बीच में। बट वहीं अगर फ्रंट लोड की बात करें तो आपको मिल जाती है 20,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में। मैंने ये मशीन परचेज की थी रिलायंस स्टोर से नो कॉस्ट EMI पे। उस टाइम पे इस मॉडल का प्राइस था 27,200 रुपीज़ और डिस्काउंट के बाद ये मुझे मिली थी 23,120 रुपीज़ में। क्योंकि उस समय न्यू ईयर सेल चली हुई थी तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था 15% का, जो कि 10% था रिलायंस स्टोर की तरफ से और 5% था HDFC बैंक की तरफ से। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैंने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन को चूज़ किया और इस मशीन की वॉशिंग से मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। पिछले 3 सालों से मैं इस मशीन को यूज़ कर रही हूँ और अभी तक मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई है। इसकी कैपेसिटी दोस्तों 6 kg है, तो अगर आपकी फैमिली में 3 या 4 मेंबर हैं तो ये आपकी फैमिली के लिए इनफ है, और अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 6.5, 7 या 8 kg में जा सकते हैं। इसकी मोटर पे और इको बबल क्रिएटर पे आपको मिल जाती है 10 ईयर्स की वारंटी और इस कंप्लीट मशीन पे आपको मिल जाती है 3 ईयर्स की वारंटी। वैसे तो इसका पावर कंजप्शन 1900 वॉट है बट ओनली ऑन हाई वाटर टेम्परेचर्स। इसकी सुपर इको वॉश साइकिल और बबल सोक साइकिल लो टेम्परेचर पे भी काफ़ी इफेक्टिव क्लीनिंग देती है, जो कि प्रैक्टिकली इस मशीन को काफ़ी एनर्जी इफिशियंट बनाती है। वाटर कंजप्शन की बात करें तो ये पर वॉश लेती है आपका 50-60 लीटर्स ऑफ वाटर, जो कि मैंने प्रैक्टिकली बहुत बार चेक किया हुआ है। तो ये मशीन आती है इको बबल टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। इको बबल बोले तो इसके अंदर लगा होता है एक बबल क्रिएटर, जो कि क्रिएट करता है ढेर सारे बबल्स, जिससे रिड्यूस हो जाता है वाटर का सरफेस टेंशन और आपका डिटर्जेंट वाटर के साथ इजिली मिक्सअप होकर फैब्रिक में डीपली पेनिट्रेट करता है, जिससे आपको मिल जाती है इफेक्टिव क्लीनिंग विदाउट डैमेजिंग द क्लोथ्स। बात करें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की, तो इसके अंदर लगे होते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो आपके ड्रम को स्मूथली मूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आपका नॉइज लेवल काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। इसमें जो ड्रम लगा हुआ है वो डायमंड ड्रम है। डायमंड ड्रम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर के जो कर्ल्स और रेजेस है ना, वो डायमंड पैटर्न में बनी हुई है और इसके वाटर एग्जिट के जो होल्स हैं वो भी काफ़ी स्मॉल हैं, जिसकी वजह से फैब्रिक क्लॉग नहीं होता इसमें और डैमेज का चांस भी 0% रहता है। और इसमें आपको एक इमरजेंसी ड्रेन का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों अगर आपकी साइकिल चल रही है और बीच में पावर कट हो जाए तो कोई इशू नहीं होता, जब पावर आएगी तो आपकी साइकिल वहीं से स्टार्ट होगी। बट अगर पावर फेलियर के केस में, जब 1-2 दिन तक लाइट ही नहीं आ रही है, उस केस में आप इमरजेंसी ड्रेन से आपका वाटर को ड्रेन कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ इसमें लगा हुआ है सिरेमिक हीटर। इसमें हीटर के ऊपर सिरेमिक की कोटिंग होती है जो कि आपके कैल्शियम बिल्डअप को रोकता है। इन केस अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है, जो कि वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में ये मशीन बेस्ट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मशीन काफ़ी साइलेंटली वर्क करती है और शेकिंग का इशू भी मुझे इसमें देखने को नहीं मिला अभी तक। बट आपको एक बात ध्यान देनी है कि मशीन को अनइवन सरफेस पे ना रखें, नहीं तो मशीन नाचते नाचते भी आगे जा सकती है। एनीवेज तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।